गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए हम लोग देखेंगे आज काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। आइए पढ़ते हैं। अच्छा ठीक, वेट कर लेते हैं, तब तक शुरू करते हैं फिर। ओके शुरू करते हैं तब तक। चलिए लेक्चर कौन सा होना चाहिए आज? चलिए लेक्चर बताइए। ट्वेंटी एटीन चलिए लेक्चर 18 यूनिट सेकंड, और इसमें हम लोग काइंड्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ना है? काइंड्स ऑफ वेक्टर। आइए फर्स्ट में क्या है काइंड्स ऑफ वेक्टर में? चलिए नल वेक्टर या इसी को कहते हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर किसको कहेंगे, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर? पहले समझिए, डिफाइन करने से पहले एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। एक्सप्लेन करेंगे जीरो वेक्टर कब हो सकता है। आइए ये देखिए, तो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों सेम ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट इन दोनों का क्या होगा? तो रिजल्टेंट होगा ये वाला, ए वेक्टर आर की बात करें, वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा, यही रिजल्टेंट होगा। चलिए फर्स्ट में ये देखें, सेकंड चलते हैं। सेकंड यदि ऐसा होता, वेक्टर ए ऐसे, वेक्टर ऐसे रहता बी, वेक्टर बी, तो रिजल्टेंट कौन सा होता? कहिएगा सर ये रिजल्टेंट होता ये वाला, यानी फर्स्ट का टेल सेकंड के हेड से मिला देते तो ये रिजल्टेंट होता। हम लोग सीख चुके हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। थर्ड की बात करें, देखिए तो वेक्टर ये है और ये आपका वेक्टर बी, वेक्टर ये सही से लेते हैं, चलो ये वेक्टर ये है, ये वेक्टर क्या हो गया बी हो गया, ध्यान देना। तो रिजल्टेंट फिर पूछेंगे तो क्या होगा, रिजल्टेंट फिर वही हो जाएगा ये आर। इस बार क्या लेंगे, फोर्थ और लास्ट अटेम्प्ट लेते हैं, फोर्थ और लास्ट है। क्या है देखना गौर से, ये वेक्टर ये है और क्या है बी जो है, इक्वल वेक्टर है ये दोनों, ध्यान देना ये बी है। देखना बी के टेल को ये के हेड से मिला दिए हैं, और यहाँ देखो
डॉटेड लाइन दिखाई देता है, इन्हें हम थोड़ा बगल कर लें। ये वेक्टर क्या है? ये वेक्टर बी है, डॉटेड लाइन वाला ये वेक्टर बी। अब रिजल्टेंट पूछेंगे तो कैसे ज्ञात करोगे? कहोगे फर्स्ट का टेल सेकंड के हेड से मिलाइए। तो फर्स्ट का टेल सेकंड के हेड से मिलाते हैं तो बताओ रिजल्टेंट कौन सा होगा, ये पूछना है हमको। आइए फिर से बात करते हैं कि वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट तो ये है, थर्ड साइड जिसमें लेंथ भी है, ठीक है, डायरेक्शन भी है, ठीक है, और इसमें क्या है, लेंथ है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड छोटा हो गया, मैग्नीट्यूड छोटा हो गया, डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड कम हो गया, छोटा। इसमें क्या हो गया, और कम हो गया, और इसमें मैग्नीट्यूड कितना हो गया फिर बताएंगे। मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ एरो। यहाँ देखते हैं एरो का लेंथ क्रमशः या रेस्पेक्टिवली क्या हो रहा है, ये डिक्रीज करते जा रहा है, नहीं, यहाँ से ये लेंथ इसका छोटा, इससे लेंथ ये छोटा, और यहाँ लेंथ कितना है एरो का ये बताइए। क्या देखो बाबू, यहाँ बात कर रहे हैं, नहीं समझ में आया तुमको ठीक से लगता है? अरे ऐसे बात कर रहे थे पहले से, ये वेक्टर ये है और ये वेक्टर बी है, तो रिजल्टेंट हम कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे एवेल्युएट करते हैं? फर्स्ट के टेल को सेकंड के हेड से मिलाते हैं तो रिजल्टेंट होता है। तो ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं? रिजल्टेंट जो है उसका जो लेंथ होगा, वो लेंथ की बात करें तो लेंथ छोटा है, ये कम मैग्नीट्यूड होगा। यहाँ देखिए ये लेंथ बड़ा था तो मैग्नीट्यूड अधिक था, ये लेंथ छोटा मैग्नीट्यूड कम, इससे भी छोटा मैग्नीट्यूड कम हो गया, और यहाँ मैग्नीट्यूड कितना है तो कहिएगा लेंथ जितना होगा उतने मैग्नीट्यूड होगा। पहले लेंथ बता तुम, ये रो ये वेक्टर आर का लेंथ कितना है जल्दी से बता दो। तीर का लेंथ, तीर का तीर, तीर जो खींचेंगे एरो का क्या होगा लेंथ? जीरो होगा, क्योंकि ये घट रहा है जी, ए ये लेंथ देखते हैं घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, और ये हेयर देखो ना, यहाँ गौर करो ऐसे, यदि ये दोनों वेक्टर को माने तो ये धीरे धीरे, ये जो रिजल्टेंट है मेरा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज करते 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 बताओ कितना हो गया, जीरो हो गया ना। ये रिजल्टेंट था, धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, रिजल्टेंट देखो जीरो हो गया, वही कहना चाहते हैं। ऐसे हम दिखाए वहाँ ये धीरे धीरे, ये रिजल्टेंट यदि है तो ये धीरे धीरे डिक्रीज करते करते जीरो हो गया। तो यानी वेक्टर ये आर जो है ये रिजल्टेंट है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, जीरो है। तो जीरो मैग्नीट्यूड रहे और बताओ डायरेक्शन किधर है? तो कहिएगा सर वो तो पॉइंट है मात्र, सिर्फ पॉइंट है, तो सिर्फ पॉइंट का मैग्नीट्यूड, ये सिर्फ पॉइंट का डायरेक्शन की बात करें तो क्या होगा, बता सकते हो इस पॉइंट का डायरेक्शन? कहिएगा सर इस डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, पॉइंट का डायरेक्शन होता ही नहीं है, पॉइंट के डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। जब मतलब नहीं रहता है तो उसको कहता है अनडिफाइंड, उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट। तो यहाँ क्लियर हो गया डिफिनीशन, डिफिनीशन क्लियर है कि वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो और डायरेक्शन अनडिफाइंड हो, उसको कहेंगे नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, जिसको डिनोट करेंगे कैसे, वेक्टर
जीरो से, ये जीरो वेक्टर है। एक्सप्लेनेशन कर दिए, कहीं कोई परेशानी किसी को नहीं? तो डिफाइन कीजिए, चलिए लिखते हैं, लिखते हैं द वेक्टर विच हैज नो मैग्नीट्यूड, या विच हैज, क्या कह सकते हो, या हुज मैग्नीट्यूड भी कह सकते हो, ज़्यादा बेहतर यही होगा। द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड, और क्या कह सकते हो, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो एंड हुज डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट, हुज डायरेक्शन इज इनडिटर्मिनेट और अनडिफाइंड इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इज कॉल्ड नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। क्लियर कर चुके हैं, समझा, लिखने से पहले समझा चुके हैं कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, इनडिटर्मिनेट होना चाहिए, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, जिसका कोई मीनिंग नहीं होगा। चलो, इट इज डिनोटेड बाय, कैसे इसको डिनोट करोगे, इट इज डिनोटेड बाय कैसे, वेक्टर जीरो, ए इसको कहते हैं वेक्टर जीरो पढ़ेंगे, वेक्टर जीरो, ठीक है, वेक्टर जीरो। और कब जरूरत पड़ेगा, तो समझ में आ चुका है कि ये दोनों वेक्टर दिखाते हैं हम, और देखो तो वेक्टर ये दिया हुआ है, ये वेक्टर बी दिया हुआ है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, एक ईस्टवार्ड है तो एक वेस्टवार्ड है, यानी ईस्ट की ओर है तो एक वेस्ट की ओर है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, मान लो 5 न्यूटन, ये भी 5 न्यूटन, तो बताओ रिजल्टेंट निकालोगे तो कैसे करोगे, इसके टेल को इसके हेड से मिला दोगे, मिलाते ही क्या होगा, फर्स्ट के हेड टेल को सेकंड के हेड से जोड़ोगे तो वो क्या होगा, वो एरो बनेगा ही नहीं, समझे, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो। चलो वो लिखो, पूरा कंप्लीट करो जितना लिखा है, जल्दी जल्दी फिनिश, नीचे वाला एक्सप्लेनेशन भी ठीक। चलो बात करते हैं, जब नल वेक्टर हम लोग सीख चुके हैं तो कहाँ चलेंगे, नल वेक्टर सीख चुके हैं हम लोग, चलेंगे यूनिट वेक्टर पर, जीरो के बाद बारी आएगी इकाई का, दूसरा हो गया यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे जी, यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे, चलो नाम से पता चलता है यूनिट मतलब क्या होता है जी, वन, नहीं जी, हाँ, जिसका मैग्नीट्यूड वन होगा, मैग्नीट्यूड वन होगा वही होगा यूनिट वेक्टर। पहले एक्सप्लेन करेंगे तब हम लिखेंगे, फिर से देखो एक्सप्लेनेशन, देखो जी एक्सप्लेनेशन पहले समझो, देखो बाबू ये वेक्टर ये सही है, मैग्नीट्यूड कितना है, मान लो 3 न्यूटन है,
आप बताओ मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन है, इट मींस क्या लेंथ, इसका लेंथ डिनोट कर रहा है क्या, किसको, मैग्नीट्यूड को। तो इसको 3 पार्ट में बांट देते हैं, एक पार्ट क्या कहलाएगा जल्दी से बोलो, ये भी वेक्टर होगा लेकिन ये 1 न्यूटन होगा कि नहीं होगा। तीन पार्ट में बोटे ना लेंथ को, एक पार्ट ले लिए लेंथ, तो ये 1 न्यूटन हो गया। और ये क्या है, वेक्टर ये है बाबू, वेक्टर ये है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको वेक्टर बी कहना चाहिए, चूँकि वेक्टर क्या हो गया, दूसरा हो गया, मैग्नीट्यूड बदल गया, डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन हम वेक्टर बी के बदले भी लिख सकते हैं। कैसे, क्या लिख सकते हैं, देखो क्या लिख सकते हैं, ऐसे, यही ये कैप बोलते हैं इसको, इसको पढ़ते हैं ये कैप, या इसी को बोलते हैं ये हाइट, ये हाइट, या ये कैरेट बोलते हैं, CARET। आदित्य भी जुड़ा है जी, चलो चलो, ये कैप और ये हाइट और ये कैरेट, ऐसा है, ये कैप और ये हाइट और ये कैरेट, चलो इसको पढ़ेंगे ये कैप, और यही है यूनिट वेक्टर, क्यों, मैग्नीट्यूड इसका कितना है, 1, यूनिटी कह सकते हैं इसको, हाँ यूनिटी कह सकते हैं। और डायरेक्शन किधर है, वेक्टर ये के डायरेक्शन की ओर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन क्या दे सकते हैं, कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड विच हैज अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब वह वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इकाई हो, यूनिटी हो, और जिसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, निश्चित दिशा हो, तो क्या कहेंगे वो, तो वो यूनिट वेक्टर कहलाता है। एक और एग्जांपल देकर समझाएंगे हम, एक और एग्जांपल देंगे, चलो जल्दी से, कि देखो ये वेक्टर बी है जी, वेक्टर बी है, वेक्टर बी है, और मान लो ये 2 ही पार्ट लेते हैं इसमें, ये 2 कुछ भी लेते हैं, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ले लिए, तो इसी के डायरेक्शन में हम यदि ऐसे लें 1 मीटर पर सेकंड, तो उसको कैसे लिखेंगे, 1 मीटर पर सेकंड को कैसे लिखेंगे, ये सॉरी बी है तो क्या लिखेंगे, बी कैप लिखेंगे, बी कैप इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड। तो ये बी कैप का मतलब हुआ कि ये यूनिट वेक्टर है किसके डायरेक्शन में, वेक्टर बी के डायरेक्शन में। तो चलो समझ में आ गया, तो लिखना है कि द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट एंड विच हैज अ डिफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, यूनिट वेक्टर कहलाता है, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी एंड विच हैज अ डिफिनिट डायरेक्शन, जिसे एक निश्चित दिशा हो, क्या कहलाता है,
यूनिट वेक्टर कहलाता है। क्या इसका प्रॉपर्टी है? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिटी मतलब वन, डायरेक्शन कोई निश्चित डायरेक्शन होना चाहिए, डिफिनिट डायरेक्शन होना चाहिए, तो क्या होगा? यूनिट वेक्टर कहलाएगा। अब है कि इसको कैसे डिनोट करेंगे, तो यहाँ से चलो लिखेंगे द यूनिट वेक्टर ये लॉन्ग वेक्टर ये इज डिनोटेड बाय, कैसे बता चुके हैं, बताओ ये क्या कहेंगे? इज डिनोटेड बाय ये कैप, हाँ, एंड रीड एज या रेड एज भी बोल सकते हो, ओके सुभाष में, एंड रेड एज कैसे जी, ये कैप एंड रेड एज कैसे, ये कैप और ये हैट और ये कैरेट और ये कैरेट, ऐसा भी कहलाता है, ठीक है। इसको फॉर्मूला क्या होगा, कैसे इसको देंगे? कहते हैं इट इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, क्या फॉर्मूला है? कहता है ये कैप इज इक्वल टू, देखना ये कैप इज इक्वल टू क्या होगा, ये तुमसे पूछेंगे, अभी नहीं हम बताने जा रहे हैं। ये कैप इज इक्वल टू कितना होगा खुद बताना है, कैसे, यहाँ के आधार पर गौर करो, यहाँ सर, हाँ देखिए क्या कहना चाहते हैं। ये मान लो कि पांच आम है, ठीक है, पांच मैंगो है जी, पांच आम लिख दिए हिंदी में, इसको बराबर फाइव लिख सकते हैं क्या? नहीं, ये फाइव आम है, यानी मैंगो देते हैं, मैंगो बोलने का आदत है इंग्लिश मीडियम, फाइव मैंगोज का दे, फिर तो वही परेशानी है, मैंगोज देना पड़ेगा, आमे रहने दो, पांच आम है तो बताओ जी ये पांच नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ आम देना पड़ेगा तब होगा, सही है कि नहीं? ठीक है, लेकिन आम ये ऐसे नहीं दे करके हम क्या दे रहे हैं, एक आम से गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, पांच आम नहीं हो जाएगा? ए, ये इसको पांच केवल था ना, उसको ये कटहल से गुना कर देंगे तो ये पांच कटहल हो जाएगा, लीची से गुना कर देंगे तो लीची हो जाएगा। कहने का सेंस ये है कि ये अब सही है, अब बताओ तुम therefore एक आम इज इक्वल टू कितना होगा, वहाँ से लो, यहाँ से एक आम इज इक्वल टू कितना होगा, जो जो यहाँ में मल्टीप्लाई है मल्टीप्लिकेशन के रूप में, वो क्या हो, डिवाइड हो जाएगा, फाइव पाँच आम बटा कितना होगा, पाँच हो जाएगा, सही है, सही है ना? ठीक, इसी आधार पर हम देखो क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू कितना लेते हैं, फाइव मीटर या फाइव न्यूटन इन द ईस्ट, ईस्ट की ओर, इन द ईस्ट, ईस्ट की ओर फाइव न्यूटन है ये, ठीक है, करते क्या है इसको, ईस्ट की ओर फाइव न्यूटन है तो ऐसा लिखें फाइव इंटू वन न्यूटन इन द ईस्ट लिखें, तो कहीं परेशानी है क्या?
नहीं, आप बताओ ये फाइव क्या था जी, ये फाइव क्या है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये, सही है, वेक्टर ये का मैग्नीट्यूड है, तो वेक्टर ये के मैग्नीट्यूड को हम लोग कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ये, क्या सत्यम, मॉड ऑफ वेक्टर ये लिखते हैं ना। चलो तो अब ये क्या है, यूनिट वेक्टर है 1 न्यूटन, वो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में, इन द ईस्ट यानी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ये, तो बताओ वेक्टर ये के डायरेक्शन में, वेक्टर ये के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, ए कैसे डिनोट करते हैं, गौर कर रहे हो, द यूनिट वेक्टर ये लॉन्ग वेक्टर ये इज डिनोटेड बाय ये कैप, सही है, ये कैप, तो ये कैप से डिनोट करेंगे तो बताओ ये 1 न्यूटन के बदले क्या ये कैप लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, तो देयर फोर ये कैप इज इक्वल टू, जल्दी बोलो ये कैप, ये कैप बोलते हैं या हाइट बोलते हैं, समझे, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, इतना बाय, जगह नहीं है मेरे पास, ये देखो तो रंग रंग हो रहा है, जगह नहीं है, दिखाई देता है क्या, ए यहाँ दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो बताओ इतना ये कैप की बात, हम बार बार लिखना चाह रहे हैं लिखें हो नहीं रहा, चलो देखो ये कैप इज इक्वल टू क्या लिखें, वेक्टर ये बाय मॉड ऑफ वेक्टर ये, देखो दिखाई दिया, सही है, यही तो है, कहाँ से लाए, क्लियर हुआ, यहाँ से इतना इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इतना बाय इतना, सही है, और आप बता दो हमको इट इज गिवन बाय ये कैप इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, वेक्टर ये बाय मॉड ऑफ वेक्टर ये, बताओ क्लियर हुआ, हाँ ये रटना नहीं है, कैसे हुआ वहाँ से क्लियर हो रहा है बाबू, चलो और यहीं से हम कह सकते हैं, बताओ देयर फोर ये वेक्टर ये इज इक्वल टू लिखें तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे मॉड ऑफ वेक्टर ये इनटू ये कैप, इसकी भी हमको ज़रूरत है, तो नोट कर लो बाबू, ये दोनों नोट कर लो, नीचे वाला भी एक्सप्लेनेशन नोट कर लेना है, ये भी नोट कर लेना है, जब तक ये नोट नहीं करोगे तो याद करना पड़ेगा, और याद करने का यहाँ कोई ये पर्पस ही नहीं, जे याद करवाने का, याद नहीं करना है ना याद रखना है जी, समझे, दिमाग पर कोई बोझ नहीं, एंजॉय करो, एंजॉय करोगे अपने आप दिमाग एक्सेप्ट करेगा, कैसे होता है कहीं नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं रटो, किताब में है याद कर लिए, सोचो किताब में है तो कहाँ से आया, क्यों दिया, ठीक, चलिए कहाँ जाना है हम लोगों को,
काइंड्स ऑफ यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे, अभी तो सीखे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसको कहेंगे? किससे डिनोट करेंगे? आई हम थोड़ा सा आप पूछेंगे कि वेक्टर ये है तो इसके यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करेंगे? ये बी क्या, हाँ बी, वेक्टर बी है तो वेक्टर बी कैप हो गया। सी वेक्टर लेंगे तो क्या होगा उसका? सी कैप हो गया। तो कैप मतलब टॉप ही होता है जी, लेकिन ध्यान दो हम एक और भी लिखा है एच ए टी हैट। हैट मतलब क्या होता है? टूप। और ये कब पहनता है जी हैट? तुम लोग कभी पहनता है हैट? कभी कभार। कैसे जी? बर्थडे में बच्चा बच्चे में नहीं पहना ऐसे ऐसे वाला टोपी पहना था? हाँ, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कैप कहेंगे कि हाइट कहेंगे जी? कैप होगा कि हाइट होगा? नहीं, ऐसे जो रहता है राजा महाराजा जो पहले पहना करते थे, हाइट है जी। एच ए टी हाइट, हाइट मीन्स टॉप होता है। ये है हाइट और ये है कैप जो तुम पहनता है करंट। चलो, एच ए टी हाइट इसीलिए कहते हैं। यहाँ देखो टॉप ऐसा है, इसका इस तरह का सिंबल यहाँ बना हुआ है, इसका मतलब ये हाइट पढ़ेंगे। हालांकि कैप भी बोलने लगे हैं, कैप भी पढ़ सकते हो, एक्चुअल तो हाइट लिखा रहता है, ऊपर में हाइट रहता है। चलो, सब चीज़ समझ में आ चुका। काइंड्स पर चलेंगे, काइंड्स पर चलेंगे। क्या कहाँ चलेंगे? काइंड्स ऑफ यूनिट वेक्टर का काइंड चाहिए। फर्स्ट में देखो, यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, समझे? एक्स एक्सिस के एलोंग यूनिट वेक्टर होता है। तो चलो, दूसरा क्या होता है? यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस, थर्ड में यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलोंग एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलोंग वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर एलोंग जेड एक्सिस। चलो, हाँ, तो यूनिट वेक्टर हम लोग क्या देखे? ये वेक्टर ये के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट किए? ये कैप से। वेक्टर बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को बी कैप से। तो बताओ हमको, ए बताओ, हम फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन करेंगे। फर्स्ट में हम बात करेंगे डिफाइन करने से पहले, यूनिट वेक्टर ये लॉन्ग एक्स एक्सिस जो है इसको डिफाइन करने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे कि देखो बाबू, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुम बचपन से सीखा है, ये वाई वाई डैश कहते हो, ये एक्स एक्स डैश कहते हो, और देखो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एक वेक्टर ये है और वो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन मानोगे
पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। चलो कोई ज़रूरी नहीं है इतना इतना मानना, यदि नहीं जानते हो न्यूटन भी लिख सकते हो। आप बताओ कि ये तो हो गया, हमको क्या करना है कि इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मात्र लिखना है, यहाँ से यहाँ तक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो उसको किससे डिनोट करेंगे? ये कैप से तो ये कैप से यदि डिनोट करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? लिख सकते हैं ए फाइव इनटू क्या लिख सकते हैं, ये कैप लिख सकते हैं क्या, या मॉड ऑफ वेक्टर ए इनटू ये कैप लिख सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक। अब देखो मॉड ऑफ वेक्टर ये तो हम देंगे ही, लेकिन ये कैप नहीं देंगे, बल्कि देखो गौर से क्या दिए हैं, क्या दिए हैं, दिखाई देता है क्या? पढ़ो क्या है, हमको तो स्पष्ट नीचे नहीं लिखने बनता ही नहीं है, बगल में लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए दे दिए, और देखो ये पढ़ना नहीं जानते हो, ये क्या है आई, और ऊपर में एक कैप दे दिए, क्या आई कैप नहीं हो गया? आई कैप हो गया, तो यही सही है जी, यही सही है, या ये वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए, या वेक्टर आई भी दे सकते हो, आई यदि रहेगा तो यहाँ वेक्टर आई भी चलेगा, और भी है बोल्ड करके लिखोगे वो भी चलेगा, लेकिन ये कोई लिखता ही नहीं है तो तुम लिख कर क्या करोगे, खूब बोल्ड बनाओ, ऐसे ऐसे बुक में तो प्रिंट कर देता है, तो ये भी सही है, कोई डायरेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस यह क्या है, देखो कि वेक्टर ए के डायरेक्शन में हम लोग ये कैप यूनिट वेक्टर को लिखते हैं, सही है, लेकिन वेक्टर ये किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की ओर है कि वाई एक्सिस की ओर है कि जेड एक्सिस की ओर है, ये कुछ पता चलता है क्या? नहीं, ये बिना देखे पता नहीं चलेगा, लेकिन बिना देखे भी हम पता कर सकते हैं कि ये कैसे, यदि हम ये कैप के बदले हम आई कैप लिख देंगे तो ये फिक्स हो गया कि वेक्टर ए का डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की ओर ही है, कहिए क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर होता है उसको किससे डिनोट करते हैं, आई कैप से, या फिर किससे, वेक्टर आई से, या फिर किससे, तो बोल्ड आई से। तो बताओ जी अब समझ में आया कि आई कैप का क्या विशेषता है, आई कैप का मतलब गया ये यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही, किसी और के अलोंग नहीं होगा, आई यदि मल्टीप्लाई हो गया किसी के साथ इसका मतलब वो वेक्टर किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है। तो अब डिफिनीशन तुम दोगे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, कहिएगा द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक ही बात है नहीं जी, डिफाइन करने की जरूरत है क्या, लिखो एक ही बात लिखाएंगे, वही बात लिखा देंगे, देखना द यूनिट वेक्टर यानी इकाई सदिश कहते हैं, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस
इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर along x-axis. यूनिट वेक्टर along x-axis. चलो, the unit vector in the direction of x-axis is called unit vector along x-axis. चलो, हीरो दो, इट इज डिनोटेड बाय, एक ही बात को रिपीट कर रहे हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैसे, तो वही आई कैप या वेक्टर आई या बोल्ड आई, ये बोल्ड आई है जी, बोल्ड होना चाहिए. चलो, ऐसा हो गया तो समझ में आ ही गया होगा एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस कहेंगे. चलो आगे मिटा करके बात करते हैं. मिटाएं? गूगल मीट तुम लोगों के पास है? हाँ, गूगल मीट पर का ये नहीं होगा, डिसकनेक्ट नहीं होंगे हम लोग, लगातार क्लास होगा. कल से हम गूगल मीट पर ही लेंगे. हेलो, लिख लिए? चलो, ये अब देखो शॉर्ट में हम लोग चलते हैं. सेकंड लेंगे कि यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, तो क्लियर हो चुका है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस यहाँ से कैसे लोगे. देखो तो हम यहीं से काम चला लेते हैं. देखो, इस ओर वेक्टर इस बार नहीं लेते हैं हम, y एक्सिस की ओर लेते हैं जी. तो y एक्सिस की ओर जो यूनिट वेक्टर होगा उसको किससे सूचित करेंगे जानते हो? i हो गया, तब क्या होगा? हाँ, ये j कैप और वेक्टर j और बोल्ड j इसकी ज़रूरत नहीं है, हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं. तो चलो, ये यदि हम वेक्टर ये मेरा इसके अलोंग है तो इसको क्या लिख सकते हैं? मॉड ऑफ वेक्टर ये इनटू जे कैप लिख सकते हैं जी. ये जे कैप लिखेंगे, वेक्टर जे लिखेंगे, बोल्ड जे लिखेंगे. समझ में आ गया होगा. और देखते हैं कि यहाँ क्या डिफिनीसन देंगे. द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस. इट इज डिनोटेड बाय जे कैप वेक्टर जे. ऐसा नोट कर लो, सब चीज समझा हुआ है, बार बार लिखाए हैं ताकि दिमाग में सेट हो जाए, भूलो नहीं. फिगर भी ड्रॉ करते जाओ.
हो जाए तो बोलना थर्ड वाला लिखेंगे, थर्ड लिखो, अपने से लिख सकते हो जी, लेकिन यह कहिएगा सर यहाँ जेड एक्सिस है आपका कहाँ? सर जेड एक्सिस तो है नहीं, कैसे अपने से लिखेंगे हम? अरे बना सकते हो जी, जेड एक्सिस तो बना सकते हो ना। ये कैसे सर? देखो ऐसे लिखा जाता है जेड एक्सिस, यदि नहीं जानते हो तो जान लो। ये हो गया ठीक है, ओरिजिन है, और ये डॉटेड लाइन से लिखा जाता है जेड एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन होता है? जेड एक्सिस, सही है कि ना? तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है, तीनों एक दूसरे पर लंबवत होती है। ये देखो 90 डिग्री है, अब फिर देखो ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस मानेंगे, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल भी ये 90 डिग्री ही होगा बाबू, समझे? ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। तीनों क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो बताओ इस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको किससे डिनोट करेंगे? तो अनुमान से बताओ तो यहाँ आई जे अब क्या होना चाहिए? हाँ स्मॉल के देना बाबू, और वेक्टर के, और क्या लिखोगे यहाँ? बोल्ड के, बोल्ड के। चलो तो यहाँ हम कैसे लिखेंगे? यदि वेक्टर ये मेरे पास रहता तो मॉड ऑफ वेक्टर ये इनटू क्या लिख देते? के कैप, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर के, या मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू क्या लिखेंगे? बोल्ड के, बोल्ड के। चलो तो थर्ड में लिखो, लास्ट ये करेंगे हम कि यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो कहिएगा सर यहाँ तो जेड लिख दीजिए, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, और डिनोट करेंगे वेक्टर पहले के कैप, फिर वेक्टर के, फिर बोल्ड के, बोल्ड के। चलो ऐसा हो गया, हम चलते हैं। पूरा कर लो, और क्या एमपी करके याद रखना है? मेमोरेबल पॉइंट कह सकते हो तुम, क्या कहते हो? देखो तो वेक्टर ये, वेक्टर आई, वेक्टर जे एंड वेक्टर के आर कॉल्ड थ्री डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर्स। आई जे के को क्या कहते हैं? थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्लियर है? ठीक है सर, थ्री डायमेंशन कहाँ से आ गया बीच में सर? अरे आ गया, समझाते हैं ना कहाँ से आ गया। देखो कभी 1D, 2D, 3D कभी बताए थे क्या?
हाँ, 1D, 2D, 3D बताए थे। चलो, जो भूल गया है या जिनका पहला क्लास है वो यहाँ देख लो बाबू। 3D कितना अच्छा बनाए थे, तुम्हारे घर का ट्रंक एग्जाम्पल के रूप में लिए थे, समझे? घर में जो ट्रंक है वो 3D, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये बताया गया था मेरे द्वारा। तो चलो, तुम लोग तो CBSE, ICSE के छात्र हो, तो निश्चित रूप से ये सब तुम्हारे लिए बच्चों का खेल होगा जी, समझे? ये सब तो तुम जानता ही होगा बचपन से। लेकिन बताओ, ये तो एक्स एक्सिस जानता है, ईमानदारी से बताओ, यहाँ भी एक एक्सिस है जी, यहाँ भी एक एक्सिस है, इधर भी एक एक्सिस खींच सकते हैं, बताओ, ये ओरिजिन है, तो कौन बताएगा कि कौन यक्स होगा कौन जेड होगा जी? कौन यक्स एक्सिस, कौन वाई, सॉरी वाई और जेड, कौन होगा वाई, कौन होगा जेड? नहीं, यही कंसेप्ट अब, हाँ, रॉन्ग हो गया तुम्हारा, ये वाई एक्सिस होगा, ये जेड एक्सिस होगा। कहिएगा सर आप ही का तो कंसेप्ट रॉन्ग ऐसा लगता है सर, बचपन से हम लोग पढ़े हैं यहाँ एक्स एक्सिस है, ऊपर वाला वाई एक्सिस है, तो आज जेड एक्सिस कैसे हो गया सर? अरे कैसे हो गया, देखो ना, हम भी तो नहीं, हम भी तो अभी जो लिखे थे वाई एक्सिस ही लिखे थे, लेकिन ऐसे दे दिए थे, ये क्या हो गया, जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है बाबू? यक्स वाई की आदत है हम लोगों का, ये यक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जेड बेचारा बाद में आया है, परपेंडिकुलर है तो डॉटेड लाइन से हो गया ऐसे, लेकिन ए लेकिन ये तीन ही एक्सिस केवल खींचोगे तब तुम यक्स वाई जेड लिख सकते हो, ध्यान रखना। लेकिन यदि ये डायग्राम बनाओगे, 3D शेप बना दोगे, तब तुम नहीं लिख सकते उसको जेड। लिखने का लिखेगा, गलत नहीं होगा, लेकिन लिखने का प्रचलन नहीं है, समझे? ये परिपाटी नहीं है, तो क्या है जी, ये कन्वेंशन नहीं है। जब जब कन्वेंशन नहीं है तो क्या कन्वेंशन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, और ऊपर जो होगा वो क्या होगा, जेड एक्सिस होगा, और तीनों एक दूसरे पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। गौर करो गौर, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, देखो, और ये क्या हो गया, ये जेड एक्सिस, ये है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक्स वाई जेड, क्लियर है? आप बताओ कि हम केवल यूनिट वेक्टर को दिखाना चाहते हैं, यक्स एक्सिस के एलॉन्ग ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, आप बताओ कैसे इसको किससे डिनोट करें? आई कैप से, सही है, इसको जे कैप, इसको के कैप, यही याद रखना है। और तीनों के बीच का एंगल, तीनों आपस में कितने कितने एंगल पर है बाबू? 90 डिग्री, यानी तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, नहीं जी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर क्यों कहा गया जी? कहिएगा सर ये 3D ही तो है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों चीज रहता है तो 3D कहलाता है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहलाता है, 3 डायमेंशनल फिगर कहलाता है, यहाँ भी 3D में है, इसीलिए इसका नाम रखा गया। हाँ, 3 डायमेंशनल यूनिट वेक्टर्स, बिल्कुल सही। आप बताओ हमको कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये ध्यान में रहे, इसके लिए हमको एरो दे करके लिखना होगा, इसके लिए एरो देकर लिखना होगा बाबू। लिखो लिखो कि
ऑल द थ्री डायमेंशनल यूनिट वेक्टर्स, चलेगा क्या? आई जे के लिख दें, शॉर्ट में यही होगा, आई जे एंड के आर, बोलो क्या होगा? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, बिल्कुल सही है, चल रहे हैं। चलो ये यूनिट वेक्टर हम लोग देखे, नेक्स्ट क्लास में हमको देखना पड़ेगा, आज तो अब छोड़ेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में पोजीशन वेक्टर पढ़ाएंगे, पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर क्या है इसको देखेंगे, पोजीशन वेक्टर या रेडियस वेक्टर क्या देख क्या है देखेंगे। चलो ठीक है, रहने दें इतना ही, ठीक ठीक हो, ओके, रिजल्ट बन चुका है, भेज देते हैं अभी, ठीक है, ठीक ओके।